Godzilla, King of the Monsters मूवी अभी रिलीज भी नहीं हुई है और हमें Godzilla वर्सेस Kong की कुछ न्यूज़ भी मिल गई, तो चलिए शुरू करते हैं। कल मुझे एक व्यक्ति ने ये फ़ोटो भेजी। शुरुआत में मुझे ये फेक लगी, इसलिए मैंने तुरंत वीडियो नहीं बनाया, पर कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद मुझे पता चला कि यह फ़ोटो फेक नहीं है। तो इस फोटो में हमें पहली बार 2020 के Kong और Godzilla को देखने का मौका मिला। तो देखने से लगता है कि Kong की हाइट पिछले बार से काफ़ी बढ़ चुकी है। अब वो Godzilla का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि Kong द स्कल आइलैंड मूवी में उसकी हाइट Godzilla से काफ़ी ही कम थी, और यदि इस हाइट से वह Godzilla से लड़ता तो यह फेयर मैच नहीं होता। लेकिन अब उसकी हाइट काफ़ी बढ़ चुकी है, और यदि आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो हमें Kong की थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी नज़र आ रही है, उसके बाल काफ़ी बढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि Kong काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, और अभी उसके पास भी Godzilla की तरह लड़ाई का एक्सपीरियंस है। जब मुझे यह फ़ोटो पहली बार मिली तो मुझे भी यह कुछ कुछ रियल लग रही थी, क्योंकि Godzilla के पीछे लगे हुए प्लेट्स का डिज़ाइन बिल्कुल करंट Godzilla के प्लेट्स जैसा है। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि यह फ़ोटो ऑफिशियल है। मैं Kong और Godzilla के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन हो सकता है इस मैच का विनर। तब तक आप मुझे कमेंट में बतलाइए कि आप किसके साथ हैं, Kong के या किंग ऑफ द मॉन्स्टर Godzilla के। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।